प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना खोखली साबित हुई। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में काफी तबाही मचाई है। कोविड 19 की वजह से कई परिवार पूरी तरह खत्म हो गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, कई ऐसे हैं जिनकी देखभाल करने कोई सदस्य नहीं बचा। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इन बच्चों के लिए एक योजना की शुरुआत की थी। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत उन बच्चों को सहायता राशि दी जाएगी जिन्होंने अपने माता पिता या अभिभावक दोनों को खो दिया है। इसके साथ ही ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक सहायता राशि, 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख रुपए का फंड भी दिए जाने की बात कही है। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए फ्री शिक्षा भी सुनिश्चित की गई है। इन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लोन दिया जाएगा, जो भी ब्याज होगा वो पीएम केयर फंड से दिया जाएगा। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को 18 साल की उम्र तक आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। लेकिन कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने की जिम्मेदारी उठाने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने भी लिया और मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की। ऐसे बच्चों को 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। हर महीने निःशुल्क राशन दिया जाएगा। पहली से 12वीं तक सरकारी स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई और निजी स्कूल में पढ़ाई के लिए सरकार 10,000 रुपये सालाना देगी। लेकिन भिंड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र के थाना दबोह के ग्राम अमाहा की घटना है, जहां पर बच्चे के सिर से माता पिता का साया उठे 10 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी इन्हें नहीं आया। बच्चे मानवता के नाते गांव ने उन्हें गोद ले लिया है। कोई इन छोटे बच्चों को दूध की व्यवस्था कर रहा है, कोई राशन पानी की। शमशान के पास टूटी फूटी से झोपड़ी बस उनके लिए आसरा बनी हुई है। नगर में आधार के लिए आवश्यक स्वाइन कनेक्टिविटी की सुविधा न होने से बच्चों के आधार कार्ड तक पाए हैं, इसलिए परिवार की मध्य प्रदेश शासन की समग्र आईडी में नाम दर्ज नहीं है और बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि स्वयं को संवेदनशील मुख्यमंत्री का ढिंढोरा पीटने वाले शिवराज सिंह, इन बच्चों का दुख दर्द उन्हें दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं है कि यहाँ के सचिव महोदय इन बच्चों की वेदना से वाकिफ नहीं है, लेकिन कागजी घोड़ा दौड़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की प्रतीक्षा में रहकर लाचार नजर दिखाई देते हैं। विगत माहों से दबोह में आधार कार्ड सेंटर न होने का ठीकरा शासन पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। योजना का लाभ बिना आधार कार्ड के संभव नहीं है। कहने को तो आंगनबाड़ी केंद्र पर इन बच्चों के नाम पर दर्ज है, तो आंगनबाड़ी से प्राप्त खाद्यान्न रात में इन बच्चों की भूख को शांत करने यहाँ पर आता है। गांव में पटवारी, आरआई, तहसीलदार, एसडीएम 50 बार इस गांव में आकर भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन इन बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ आज तक नहीं मिल पाया है। क्या नाम था उनका? पापा को राघवन और मम्मी को गरिया। अच्छा, तुम अब कहाँ रहती हो? मैं कच्ची मड़िया में रहती हूँ। अब तुम जैसे भूख लगती है तो खाना कहाँ खाती हो? गांव से मांग के ले आते हैं, खाते हैं। गांव से? अभी जो विधायक जी आए थे, उनने आपको पैसे दिए थे 2,000 रुपए। उन 2,000 रुपए का क्या किया? दूध ले लिया, कपड़ा पड़ा ले लिया। अच्छा, चलो ठीक है। प्रशासन से आपको कोई मदद मिली है? नहीं। क्या कुछ था, बहुत परेशान है। मैं तो वहाँ बता रहे, खत्म हो गया तो वहाँ माता ही दोनों खत्म हो गए। कैसे खत्म हुई थी ये कोरोना से खत्म हो गया था? बहुत परेशान है मैं तो, पूरे गांव में मांगा थे, मतलब ताकि दोबारा पहुँच जाता हूँ, मना नहीं करते। खाना है ना इनको सब पूरा गांव दे रहा है? पूरा गांव, मतलब जो ना ये जहाँ पहुँच जाता हूँ ना नहीं करते, कपड़ा लगता उन्हें सब देते हैं पूरे गांव में। प्रशासन की तरफ से अभी कोई मदद नहीं मिली है? कोई मदद नहीं मिली है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम गप्पू कुशवाहा। इन बच्चों के माता पिता के देहांत के बाद भोजन की व्यवस्था पूरे गांव के द्वारा की जा रही है? पूरे गांव के द्वारा। इसके साथ साथ आंगनवाड़ी के द्वारा इनको क्या मदद मिली है? इनकी आंगनवाड़ी में जब तक पैकेट थे, पैकेट दे रहे हो जी, खाना दे जाते हैं जब जब, और वैसे हमारे घर जाते हैं तो हम तो रोटी दे, दाल सब्जी जो बने, बच्चा को जो कुछ हमारी गांठ में हो, त्योहार के दिन सब्जी पूरी खीर सब कुछ देते हैं।